नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल जरा हट के हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, वरदान है पपीते के पत्ते का रस, सात रोगों की है ये अचूक औषधि जो आज हम आपको बताएंगे। दोस्तों, पपीते के पत्ते का रस या जूस पीने से भले ही आपको कड़वा लगे, लेकिन जब आप इसके गुणों के बारे में जानेंगे तो अपने आप को पपीते के पत्ते का जूस पीने से आप नहीं रोक पाएंगे। पपीते के पत्तों का रस सचमुच में किसी चमत्कार से कम नहीं है। पपीते के पत्तों के जूस में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी और ई के अलावा कैल्शियम और आयरन की बहुत अधिक मात्रा पाई जाती है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि पपीते के पत्ते का जूस पीने से आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला, मुहासे दूर करता है ये। अगर चेहरे पे मुहासे हैं तो सूखी पत्ती लेकर उसे थोड़े से पानी के साथ मिक्स करके इसका पेस्ट बना ले। फिर इस पेस्ट को आप अपने चेहरे पर लगा के सुखा ले। फिर आप थोड़ी देर बाद जब सूख जाए इसे पानी से धो ले, आपके मुहासे जल्द से जल्द दूर हो जाएंगे। दोस्तों, इसमें कैंसर से लड़ने की भी क्षमता होती है जो कि इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं। और सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, अग्नाशय, जिगर और फेफड़ों के कैंसर होने से ये पपीता आपको रोकता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है। पपीते की पत्तियों में 50 एक्टिव सामग्रियां होती हैं जो कि सूक्ष्म जीवों जैसे फंगस, कीड़े, परजीवी और कैंसर जैसी कोशिकाओं के भी विभिन्न अन्य रूपों को बढ़ने से ये रोकता है। दोस्तों, पपीते का पत्ता सर्दी और जुखाम जैसे रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। यह खून में व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स का विकास बढ़ा देता है। एंटी मलेरिया के गुण भी इसमें पाए जाते हैं। यह मलेरिया से लड़ने में बहुत ही प्रभावकारी है। पपीते की पत्तियों का रस मलेरिया के लक्षणों को बढ़ने से रोकता है। डेंगू में ये रामबाण इलाज है। दोस्तों, डेंगू से लड़ने के लिए पपीते की पत्तियां काफी लाभकारी होती हैं। यह गिरते हुए प्लेटलेट्स को बढ़ाने, खून से थक्के जमने तथा जिगर की क्षति को रोकती है जो कि डेंगू वायरस के कारण होता है। महावारी के दर्द से भी आपको छुटकारा देता है। दोस्तों, दर्द को दूर करने के लिए एक काढ़ा आप बना लीजिए जिसमें एक पपीते की पत्ती को इमली, नमक और एक गिलास पानी के साथ मिक्स कीजिए। फिर इसे उबालिए और जब काढ़ा बनकर ठंडा हो जाए तब इसे आप पी लीजिए। ये आपको थोड़ा सा कड़वा लग सकता है लेकिन आपको इससे महावारी से होने वाले दर्द से जल्द छुटकारा मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे उपाय या ऐसे अचूक उपाय थे जो आपको केवल पपीते के पत्ते से प्रदान हो सकते हैं। पपीते का पत्ता ये आपको कहीं पर भी उपलब्ध हो जाएगा। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो या आपको इससे कुछ जानकारी प्राप्त हुई हो तो हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें और हमारी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।